फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा श्रीवास्तव। मेरे चैनल सिंपल रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल बिल्कुल मार्केट स्टाइल मिक्सचर की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजीली बन जाएगा और इतना टेस्टी बनेगा कि अगर आप इसको एक बार घर में बना लेंगे तो मार्केट से मिक्सचर लाना भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सचर बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम रोस्टेड पोहा। ये सिका हुआ ही आता है, इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और 250 ग्राम ही मैंने लिया है मक्के का पोहा और 250 ग्राम ही मैंने दाल ली है, ये चने की दाल है तो ये भी रोस्टेड है, इसको भी हम फ्राई नहीं करेंगे। और 500 ग्राम मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, 100 ग्राम काजू लिए हैं और उनको इस तरह से दो पीसेस में कट कर लिया है, 100 ग्राम ही बादाम लिए हैं, इनको भी इस तरह से दो पीसेस में कट कर लेंगे, 100 ग्राम ही मैंने किशमिश ले ली है और 500 ग्राम मैंने लिया था हरा धनिया, तो उसको इस तरह से तोड़ लिया है, बिल्कुल बारीक वाले डंठल लिए हैं और पत्तियां ले ली हैं। और 300 ग्राम के आसपास मैंने मीठी नीम की पत्तियां ली हैं और इनको भी अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है तोड़ने के बाद और सुखा लिया है। और मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और पिसी हुई शक्कर। इन सभी चीज़ों को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार डालेंगे। मैं जब मिक्सचर में डालूंगी तब आपको मेज़रमेंट बता दूंगी। और ये मैंने चूड़ा मसाला लिया है, इस तरह से मार्केट में इजीली मिल जाता है। और ज़रूरत के हिसाब से अमचूर यूज़ करेंगे। तो अब हम मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़े बर्तन में हम ले लेंगे पोहा और उसी में हम डाल देंगे रोस्टेड चना दाल। और अब हम मक्के के पोहे को फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल अच्छा गरम कर लिया है और इस तरह का बर्तन लेंगे आप इनको फ्राई करने के लिए, तो काफ़ी सूटेबल रहेगा, जिसको झरिया बोलते हैं स्टैनर। तो इसमें जो मिक्सचर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई होते हैं। ये देखिए तेल में डिप हो जाता है और जब हम पोहा वगैरह फ्राई करते हैं और निकालते हैं तो वो जलता नहीं है, एक साथ ही सारा बाहर आ जाता है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ मक्के का पोहा। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो फिर जो पोहा है वो कच्चा रह जाता है। और गैस की फ्लेम को भी हाई मीडियम रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा हिला दें और बस मक्के का पोहा फ्राई हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक अलग बड़े बर्तन में। जो भी चीज़ें हम फ्राई करेंगे उनको फ्राई करने के बाद उनका ऑयल अच्छी तरह से निथारेंगे जितना हमसे बन सके। तो ये निकाल लिया मैंने एक बड़े बर्तन में और सारा मक्के का पोहा फ्राई करके हम इसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से फ्राई किया मैंने। और जब सारा मक्के का पोहा फ्राई हो जाएगा तो उसको हम इस तरह से हाथों से थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर देंगे। ध्यान रहे कि एकदम चूरा नहीं करना है, बस हल्का सा तोड़ना है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है फ्राई होने के बाद, ये देखिए। और फिर हम इसको भी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे पोहे और चने की दाल के साथ। और अब हम मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो मीडियम कर देंगे, नहीं तो फिर दाने जल जाते हैं। और जब दाने अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो वो फटने लगते हैं। तो ये देखिए दाने फट रहे हैं, यानी कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो इनका ऑयल थोड़ा सा स्ट्रेन करने के बाद हम इसको डाल देते हैं पोहे वगैरह के साथ। तो ये देखिए डाल दिया मैंने और इसी तरह से हम सारे दाने फ्राई करके डाल देंगे। और ठीक इसी तरह से हम काजू और बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। मूंगफली के दाने, काजू और बादाम को फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, नहीं तो इनका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो फिर ये देखने में अच्छे नहीं लगेंगे और शायद जल भी जाएं तो खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हम बादाम को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे कि बादाम बहुत ज़्यादा रेड ना हो जाए। तो बादाम का एक पैच फ्राई करने में मुझे लो मीडियम फ्लेम पर 1.5 मिनट के आसपास लगा है, तो आप भी ध्यान रखें। और इस तरह से ऑयल स्ट्रेन करने के बाद डाल देते हैं इनको मूंगफली वगैरह के साथ।
और इसी तरह से काजू भी फ्राई कर लेंगे। तो काजू बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, बहुत जल्दी से इनमें कलर आ जाता है, तो इनको लगभग 20 से 25 सेकंड ही फ्राई करें, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए काजू बहुत जल्दी से फ्राई हो गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और डाल देते हैं बाकी सारी चीज़ों के साथ। और किशमिश को हम फ्राई नहीं करेंगे, किशमिश को हम बिना फ्राई करे ही डालेंगे। तो ये डाल दी मैंने। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। और अब मीठी नीम फ्राई करेंगे, तो उसके लिए इस तरह से डाल के और इस तरह से ढक्कन से ढक दें ताकि जो उसकी वजह से तेल उछकेगा तो वो आपके ऊपर ना आए और आपका गैस और प्लेटफॉर्म भी ख़राब ना हो। और इनको भी थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे हम, क्योंकि हम इनको बाद में चूरा करेंगे। तो इनको भी हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में और इसी तरह से सारी मीठी नीम फ्राई कर लेंगे और एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम फ्राई करेंगे हरा धनिया, तो उसके लिए मैंने स्ट्रेनर में इस तरह से हरा धनिया डाल दिया है पहले से ही, और स्ट्रेनर को तेल में डुबोकर और फिर ढक्कन से ढकते जाएंगे ताकि जो उससे ऑयल वगैरह के स्पॉट आएंगे वो आपके ऊपर ना आए। और धनिया को भी हम इस तरह से हिलाकर चारों तरफ से क्रिस्प कर लेंगे ताकि ये बाद में अच्छे से चूरा हो सके। और धनिया को भी फ्राई करके हम उसी बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने करी पत्ते यानी कि मीठी नीम फ्राई करके रखे हुए हैं। इस तरह से हम धनिया को दबाकर इसका जो ऑयल है वो स्ट्रेन कर देंगे और फिर निकालेंगे हम इसको। और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनको इस तरह से मैश करके इनको चूरा करेंगे। और इस तरह से मिक्स करने के बाद इनको भी मिक्स कर देंगे बाकी चीज़ों के साथ। और इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे क्योंकि जो हमारे पोहा और चना दाल ड्राई हैं उनके साथ भी हल्का सा ऑयल मिक्स हो जाए जो बाकी चीज़ों में थोड़ा सा ऑयल है। और फिर हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे तो मसाले इसके साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स करने के बाद 2 चम्मच लेंगे गरम तेल और उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको हम डाल देते हैं सारी चीज़ों के ऊपर और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मिर्ची को भी। और 4 टेबल स्पून मैंने चिवड़ा मसाला लिया है तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और 4 टेबल स्पून ही हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे, अगर आप हल्की सी मिठास चाहते हैं तो पाउडर शुगर ऐड करें, नहीं तो फिर ना करें। और मिक्स कर दें अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, चिवड़ा मसाला में भी हल्का सा अमचूर पाउडर आता है। और फिर अगर आपको लगे कि आपको अमचूर पाउडर डालना है, खटास बढ़ानी है, तो आप डाल दें, नहीं तो फिर रहने दें। तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है इसमें अमचूर पाउडर। आप चाहें तो मिक्सचर को टेस्ट कर लें, उसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको कम लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता दिया है, आप कौन सी यूज़ करते हैं, तीखी वाली या लाइट, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मिक्सचर कैसा बनेगा और आपको कितनी ऐड करनी है। और वैसे तो मिक्सचर ऐसे ही रेडी है, कंप्लीट है खाने के लिए। और अगर आप चाहें तो इसमें सेव डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बारीक वाली सेव ऐड कर रही हूँ, इससे मिक्सचर का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेव भी मैंने 250 ग्राम ही ली है। तो बस हमारा बहुत ही बढ़िया दिवाली स्पेशल मिक्सचर बन के रेडी है। अगर आप किसी को सर्व करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपने घर में बनाया है, एकदम मार्केट जैसा ही लगेगा। तो बस मिक्सचर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दिवाली पर सभी को बताइए कि ऐसे मिक्सचर बनाइए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा खा के। मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे घर पर ये मिक्सचर खाते रहते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि ये वाले मिक्सचर की रेसिपी आप शेयर करो यूट्यूब पर, तो मैंने उसी को शेयर किया है। तो इस मिक्सचर को आप एक बार ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।